अच्छा इंसान जब किसी के बीच से जाता है तो उसके पीछे हजारों लोगों का काफिला रोते हुए निकलता है। एक शायर ने कहा था कि मौत तो वो है जिस पर जमाना करे अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। किसी की इज्जत का जनाजा निकालना उसको मार डालने जैसा ही होता है। बिल्कुल एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है किरतपुर के गांव भनेड़ा में, जहां दो दिनों पहले राजनीति के तहत एक ऐसी टीचर को स्कूल से निकलवाने की साजिश की गई जो बच्चों के बीच किसी सुपर हीरो की तरह थी। उनका नाम था आयशा परवीन। लोगों का कहना है कि आयशा मैडम स्कूल में कई सालों से बच्चों को तालीम दे रही थी। बच्चे उनसे अपने अभिभावकों की तरह प्यार करते थे। आयशा मैडम का उनसे प्यार से बोलना, उनकी समस्याओं को सुनना और अच्छी तालीम देने में उनकी मदद करना, ये आयशा मैडम के बारे में बच्चे खुद बताते थे। लेकिन अच्छे इंसान को लोग दुनिया में बर्दाश्त नहीं करते, ये तो फिर भी स्कूल था। उनको स्कूल से हटाने के लिए एक खेल खेला गया जिसमें उन पर आरोप लगाए गए कि वो बच्चों को स्कूल में तिलक लगाकर आने से मना करती हैं, जबकि जो बच्चे टोपी लगाकर स्कूल आते हैं उनको कुछ नहीं कहती। इस मामले को मीडिया तक पहुंचाया गया, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आयशा परवीन को स्कूल से हटा दिया गया। जब वो स्कूल से जाने लगी तो वही बच्चे जिनसे मीडिया के कैमरों पर बुलवाया गया था जारो कतार रोने लगे। देखते ही देखते स्कूल के बच्चों ने आयशा मैडम को घेर लिया और सभी बच्चे रोने लगे। इस राजनीति को लेकर मैंने एक बड़ी स्टोरी बनाई थी, लेकिन YouTube ने उसे ये कहते हुए डिलीट कर दिया कि ये स्टोरी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, इसे YouTube पर नहीं चलाया जा सकता, जिसके बाद मुझे मन महसूस कर रह जाना पड़ा। लेकिन आज फिर से जब आयशा मैडम स्कूल से जाने लगी और वही बच्चे रोने लगे तो इस नज़ारे ने मुझे कलम उठाकर लिखने के लिए फिर से मजबूर कर दिया। आप अपनी आंखों से खुद देखिए स्कूल के अंदर का ये नज़ारा। ये हमारे ग्राम भनेड़ा स्कूल में आयशा परवीन मैडम अपने के लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। मेरे भाई भी वहाँ पर बच्चे थे, उन्होंने भाग में अंजाम डाल रहे हैं। हमारे सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वो आगे आपको और मन से पढ़ाएंगे, आपको मन लगा के पढ़ना है, ठीक है जी। जैसे आप हमें प्यार देते थे ऐसे ही आने वाले जो टीचर होंगे उन्हें भी प्यार देना है।
टोपी लगा के आओ, बताओ कहना जो भी कोई तुमसे पूछे, ये नहीं मेरी वजह से, बिल्कुल सच्ची बात है। हकीमान की कहना आपने, मैं तुमसे आया करूँगी मिलने, छुट्टी ले क्योंकि मुझे भी तुमसे मोहब्बत है अंदर ही। जा रही हूँ बहुत अच्छी समझ दी है।